अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आलू चौली के सालन की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं आलू चौली के सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने ना आधा चम्मच ऑयल डाला है। बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें मैंने ये सूखा नारियल लिया था, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया था मैंने नारियल का। इसे मैंने पतला पतला कट कर लिया है और इसे हमें फ्राई करना है। तो देखिए, इतना छोटा सा नारियल का टुकड़ा लिया था, इसे फ्राई करके इसका कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से इसे पलट पलट के हमें फ्राई कर लेना है। देखिए, मैं बताती हूँ किस तरीके से चाहिए हमें कलर इसका। ज़्यादा डार्क मत करना, वरना क्या हो जाएगा, मसाला हमारा कड़वा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया। बस अभी इसे निकाल लेंगे और इसे मैं डायरेक्ट डाल दूँगी मिक्सी की जार में। चलिए, अब क्या करना है, इसी ऑयल में, ऑयल हमें और नहीं डालना है, इसी ऑयल में डालना है हमें प्याज। तो देखिए, ये एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लिया था, इसे लंबा लंबा मैंने कट कर लिया था। इसे डाल देंगे और एक मिनट तक इसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इतना इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। देखिए, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी ना, ये 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर इस वक्त आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इस वक्त ना आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल दीजिए और इसे इस तरीके से साथ में ही इसके भून लीजिए। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था तो मैं इसे ऐड कर दूंगी। तो देखिए, मैंने ये 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इन मसालों को सबको हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक भून लेते हैं। चलिए, मसाला अच्छे से भून चुका है, देख सकते हो आप लोग, प्याज भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे और निकाल के हम मिक्सी के जार में डाल देंगे जिसमें हमने नारियल को फ्राई करके डाला है ना, इसी के साथ इसे भी डाल देना है। चलिए, अब इसे भी मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, देखिए, इसके अंदर डाल देंगे, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब धनिया जीरे का पाउडर, भुने हुए धनिया जीरे का पाउडर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए, 1 टीस्पून अखा धनिया ले लीजिए, 1 टीस्पून जीरा लेके इसे तवे पे रोस्ट कर लीजिए और इस वक्त इसे इसमें ऐड कर दीजिए। और देखिए, इसमें मैंने एक है ना बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसे भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से पीस के इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। अभी मैं क्या करूँगी ना, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। चलिए, ऑयल इधर गर्म होता है, देखिए मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है चौली, जिसे कि लोबिया भी कहा जाता है। ये मैंने 1.5 कप लिया था, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। इसके बाद मैंने इसे क्या किया ना, कुकर में डाल के इसकी 2 सीटी लगा दी थी, नमक डाला, पानी और नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया था। 2 सीटी में ये गल गया था। चलिए, ये तैयार है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने इसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल दिया और कड़ी पत्ते जैसे ही तड़कने लगे इसके अंदर मैंने पिसा हुआ मसाला ऐड कर दिया। मसाला डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। इस वक्त इसके छींटे बहुत उड़ेंगे आग पे, इसलिए इसे हो सके तो आप ढक के इसे चलाते रहिए, ढक ढक के चलाते रहिए, वरना इसके छींटे बहुत आग पे आएंगे। तो देखिए, मैंने 2 मिनट अच्छे से इसे भुना है। अब इसमें मसाले ऐड करना है हमें। तो ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा गरम मसाला डालना है हमें इसमें पाउडर। अब ये डाल दिया है मैंने, चुटकी भर हींग डाल दीजिए इसके अंदर और नमक डाल दीजिए। नमक मैंने ये 1/2 टीस्पून डाला है क्योंकि हमने चौली को बॉईल करते वक्त भी उसमें नमक ऐड किया था, इसलिए नमक का इस्तेमाल आप ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए, डाल के अच्छे से भून लीजिए। इन सारे मसालों को हमें भून लेना है जब तक कि मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। चलिए, ये भून रहा है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिया था, इसे मैंने छील लिया था और इस तरह से लंबाई में मैंने कट कर लिया है और इसे पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आलू। चौली तो हमारी गली हुई है, हमें चौली को गलाना नहीं है, आलू को हमें गलाना है। तो इसमें इस वक्त हम डाल देंगे आलू। आलू को डाल के अच्छे से भून लेंगे।
ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाए। और अगर आपने चौली को गलाया नहीं है तो इस मोमेंट पे आप चौली भी आलू के साथ डाल सकते हो। अगर आप चाहें ना, ये सारा प्रोसेस आप है ना कुकर में भी कर सकते हो। इस वक्त आपने आलू डाला, इसी वक्त आप चौली भी डाल दीजिए साथ में, और इसको मसाले के साथ भून के ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल के 2 सीटी लगा दीजिए और आपके आलू और चौली दोनों एक साथ ही गल जाएगी। तो देखिए अच्छे से भून चुकी हूँ मैंने। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, यानी कि आधा कप के करीब, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है जब तक कि आलू हमारे गल नहीं जाते। देखिए 3 से 4 मिनट हो गया, आलू हमारे अच्छी तरीके से गल गए। मसाला देख सकते हो आप लोग, पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारे आलू बहुत अच्छी तरीके से गल चुके। अब क्या करना है ना, इसमें ऐड कर देंगे हम चौली। चौली तो हमारी गली हुई है, इसमें चौली को ऐड कर दीजिए। चौली डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे हम चौली को मसालों के साथ पका लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चौली में अच्छी तरीके से आ जाए। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। तो आप अपनी थिकनेस के हिसाब से, आपको किस तरीके का ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड किया था। तो देखिए इसे मिक्स कर दिया, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे मैं पकने दूंगी। पहले हाई फ्लेम पे पकने दूंगी, जब इसमें अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम टू लो और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लूंगी। इसके बाद मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। मैंने इसे ढक दिया है और मैंने इसे अच्छे से बॉईल जब इसमें आ गया तो 3 से 4 मिनट तक इधर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पका लिया। और देखिए ये हमारा कितना मज़ेदार सा, कितना बेहतरीन सा चौली आलू का सालन बनके रेडी हो चुका है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हरे धनिया से गार्निश कर लीजिए और इसे आप सिंपल राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ सर्व कीजिए, फुलकों के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। आप लोग इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।